ये देखिए मेरा टी फ्लिप फ्लाप है। टी फ्लिप फ्लाप में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें वही है कि जो यही देखिए जेके फ्लिप फ्लाप है, बशर्ते इसके दोनों ही इनपुट को शॉर्ट कर दिया गया है, दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया है तो ये टी बन गया। ये दो ही कंडीशन में काम करेगा, या तो जीरो देंगे या तो वन देंगे। अब देखिए मैं इसका, ये पॉजिटिव स्टिकर है तो इसका हमेशा वन रहेगा। इसको ट्रुथ टेबल देख लीजिए, जैसे जीरो देते हैं तो लास्ट स्टेट पर रहेगा यानी कि नो चेस कंडीशन, वन देते हैं तो हमारा क्यू वाई यानी कि टॉगल कंडीशन होने लगता है, क्योंकि हमने क्या कहते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में देखा है कि जैसे ही हमने वन वन देते हैं तो हमारा टॉगल कंडीशन हो जाता है ना, उसी तरह ये काम करेगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर ये डायरेक्ट कनेक्टेड है यानी कि दोनों दोनों इनपुट को डायरेक्ट कनेक्ट किया गया। यहाँ पर नॉट गेट नहीं रहेगा, सॉरी उसके लिए, ठीक है, यहाँ पर नॉट गेट नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर जीरो दिया, वही जेके फ्लिप फ्लॉप वाला यहाँ कंसीडर आप कर सकते हैं, क्यू को जीरो या वन कंसीडर कर सकते हैं फीडबैक के लिए, ठीक। इसको जीरो दिया, यहाँ पर जीरो आया, क्लॉक हमारा वन है, इसको जीरो कंसीडर किया है तो हमारा क्यू बार वन हो जाएगा। जब ये वन हो जाएगा तो ये वन यहाँ फीडबैक की तरह वहाँ वन हो जाएगा, तो वन वन जीरो मिल के आउटपुट इसका वन हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ से जीरो आया इस पर और ये वन आया, और इसको मैंने जीरो कंसीडर किया तो ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो जीरो जीरो वन मिल के आउटपुट इसका भी वन आया आया। अब देखिए यहाँ पर वन आया, यहाँ पर मैंने जीरो कंसीडर किया ना, तो यही जीरो फीडबैक की तरह यहाँ पर आ जाएगा, तो वन जीरो मिल के आउटपुट इसका वन हो जाएगा। वन है यहाँ पर तो वन यहाँ पर फीडबैक की तरह यहाँ पर जाएगा, तो वन मिल के यहाँ पर जीरो हो जाएगा, वन आ जीरो। अब देखिए जैसे मैं जीरो कंसिडर किया यहाँ पर जीरो आ गया, अब वन कंसिडर करूँगा तो आउटपुट हमारा वन आ जाएगा। ये मैंने पहले से कंसीडर कर रहा हूँ कि हमारा आउटपुट हो सकता है ऐसा, इसको हम प्रीवियस आउटपुट बोलते हैं। देखिए वन कंसीडर करता हूँ, इसको वन कंसीडर किया तो वन फीडबैक की तरह यहाँ पर आ जाएगा, और ये मेरा जीरो है तो वन वन जीरो मिल के आउटपुट इसका वन ही आ जाएगा, वन आ जाएगा। उसको मैंने वन कंसीडर किया तो वन वन मिल के यहाँ पर वन आ गया, तो वन वन यहाँ इसका आउटपुट जीरो हो जाएगा, इसका आउटपुट जीरो हो जाएगा, ये जीरो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए जीरो हुआ और ये यहाँ से कंसीडर किया गया जीरो, तो यहाँ से जीरो जीरो यहाँ पर आया, तो जीरो जीरो वन मिल के आउटपुट इसका वन आया, तो वन जीरो मिल के आउटपुट इसका वन हो जाएगा। यानी कि जैसे मैंने वन कंसीडर किया आउटपुट हमारा वन आया आया ना, इसको हम प्रीवियस स्टेट बोलते हैं, जिसको हम लास्ट स्टेट कह सकते हैं। इस तरह यह हुआ। इसका दूसरा कंडीशन क्या है, जब मैंने इसको वन दे देता हूँ, देखिए दूसरा कंडीशन दिखाता हूँ आपको। दूसरा कंडीशन देख लीजिए, जैसे ही मैंने इसको वन कंसीडर किया, यहाँ पर भी वन आएगा, यहाँ पर भी वन आएगा, क्लॉक हमारा वन है ही। अब मैं देखो अब मैं फिर इसको कंसीडर कर रहा हूँ, इसको मैं जीरो कंसीडर करूँगा, तो जीरो कंसीडर करूँगा तो जीरो फीडबैक की तरह यहाँ पर आ जाएगा जीरो, और ये वन हुआ और ये भी वन हुआ, तो वन जीरो वन वन जीरो मिल के आउटपुट इसका वन आ जाएगा, इसका आउटपुट वन आया, आउटपुट वन आ गया। देखिए यहाँ पर मैंने जीरो कंसीडर किया है ना, देखिए ये हमारा वन है तो ये भी वन हुआ, ये भी हमारा वन हुआ, यहाँ जीरो कंसीडर किया तो वन हुआ, तो वन से वन यहाँ पर आ गया, तीनों वन मिल के आउटपुट हमारा जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो गया। तब देखिए जीरो 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 आउटपुट हो गया, तो जीरो और ये वन हुआ है ना, तो वन से क्योंकि जिसको जीरो कंसिडर किया था तो वन हुआ था, तो वन फीडबैक की तरह यहाँ आ जाएगा, तो वन जीरो मिल के आउटपुट इसका वन हो जाएगा, तो वन यहाँ पर आ जाएगा, तो वन वन मिल के आउटपुट इसका जीरो हो जाएगा। आया समझ में आपको, ध्यान से देख लीजिए, यानी कि जीरो कंसिडर किया वन मिला, अब वन कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर जीरो मिलेगा। देखिए कैसे वन कंसिडर किया तो ये यहाँ फीडबैक की तरह यहाँ पर आ जाएगा वन, तो ये भी वन ये भी वन, तीनों वन मिल के यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ये जीरो हुआ तो इसका आउटपुट वन हो जाएगा, तो वन यहाँ फीडबैक की तरह चला जाएगा, इसको ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, वन वन जीरो मिलके यहाँ पर वन हो जाएगा, तो वन वन मिलके आउटपुट इसका जीरो हो जाएगा। यानी कि जब जीरो कंसीडर किया वन मिला, वन कंसीडर किया जीरो मिला, इस तरह हम इसको कह सकते हैं टॉगल कंडीशन, जिसको हम टॉगल कंडीशन कहते हैं, यानी कि वन जीरो होता रहेगा। ये देख लीजिए उसका ट्रुथ टेबल है, ये आसान है, जैसे जेके फ्लिप फ्लॉप अगर समझ में आ रहा है टी और मास्टर सलेबस आसानी से आपको समझ में आ सकता है। ओके।